इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में हनुमान जी के भक्तों की कमी नहीं है। हर साल हनुमान जी जयंती जोर शोर से मनाई जाती है, जगह जगह प्रसाद भंडारे का आयोजन होता है, पर आज इस स्थिति में हनुमान जी बैठे हैं, उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम बात कर रहे हैं नौदरा ब्रिज स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर की, जहाँ एक ओर हनुमान जी का मंदिर और बालाजी भगवान का मंदिर है, वहीं दूसरी ओर दोनों मंदिर के बीच में नगर निगम द्वारा कचरा घर बना दिया गया है। रोज गाड़ियां कचरा फेंकती है और मंदिर के सामने गिराते हुए निकलती है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम से मात्र 100 मीटर की दूरी है और रोज अधिकारियों का उस रोड से आना जाना होता है। वहीं शहर में कई हिंदू संगठन और राजनीतिक पार्टियां हैं, पर उनका भी ध्यान इस ओर नहीं जा पा रहा है। ये नौदरा पुल में हनुमान जी का मंदिर है और इसके ठीक पीछे बालाजी का मंदिर है। इन दोनों के बीच में नगर निगम द्वारा कचरा घर बना दिया गया है। रोज सुबह गाड़ियां आती हैं मंदिर के सामने, पूरा कचरा गिराती हुई जाती हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। जितने भी यहाँ भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको गंदगी का सामना करना पड़ता है। वो सुबह सुबह नहा धो के आते हैं, लेकिन उनका गंदगी में पैर उग जाता है, फिर से उनको नहाना धोना पड़ता है। मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मुंह में हाथ रखे रहते हैं, रुमाल से बांधे रहते हैं, तब वो पूजा पाठ कर पाते हैं। पंडित जी ने भी बताया कि हमने कई बार ज्ञापन भी दिया, नगर निगम वालों को भी बोला है कि यहाँ से कचरा घर अलग करके रखें। यहाँ कोई सुविधा नहीं हो पा रही। यहाँ पर इतना बना के रखे हुए हैं शहर के बीच में, इतनी बड़ी गंदगी। नगर निगम 100 मीटर दूर है। नगर निगम के अधिकारी रोज निकलते हैं यहाँ से, वो देख रहे हैं, लेकिन उनके कान में जू नहीं देख रही। भारतीय युवा कांग्रेस के नेता रघु तिवारी के नेतृत्व में थानागढ़ा का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस नेता रघु तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जुलाई को फेसबुक और ट्विटर पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली की फोटो डाली गई थी, जिसमें उनकी बाइक के पीछे तिरंगा झंडा लटका हुआ था, जिसमें कीचड़ और गाड़ी से निकलने वाला धुआं लगा हुआ था, जो पूरी तरह से भारतीय ध्वज तिरंगे का अपमान था। इस संबंध में थाना प्रभारी गढ़ा को ज्ञापन दिया गया और उनसे ये मांग की गई कि योगेंद्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध भारतीय ध्वज अधिनियम अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में मौतों के बाद आज बीजेपी के सांसद राकेश सिंह, विधायक इंदु तिवारी और बीजेपी के अन्य सदस्यगण अस्पताल में घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर और उनके 3 पार्टनर के ऊपर गैरदातन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान आवश्यकतानुसार अस्पतालों को इजाजत दी गई थी, पर वो अभी भी नियमित रूप से चल रहे हैं और इन अस्पतालों में नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके तहत इन सभी हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया जाएगा और जहां तक हो सके लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। जबलपुर में किसी भी कीमत पर लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वहीं हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर विजयनगर पुलिस ने FIR दर्ज की है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल थाना विजयनगर अंतर्गत जो मामला दर्ज किया गया है, इसमें प्रारंभिक तौर पर पुलिस के द्वारा IPC 304, 308 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो डायरेक्टर और प्रोपराइटर डॉक्टर निश्चिंत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल एवं डॉक्टर संतोष सोनी, ये 4 मुख्य रूप से इसमें आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम और इसमें जोड़ा गया है। इन सभी को प्राइमा फेसी अपने कर्तव्यों का और जो लापरवाही है जो उसके तहत इनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मामले को पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और सारे साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत यहाँ पर कार्रवाई FIR दर्ज की गई है। पूछताछ के लिए भी थाने में कुछ लोगों को बुलाया गया है और आगे हम जल्द ही, जैसे ही हमारे विभिन्न प्रकार के साक्ष्य इकट्ठे होंगे, परिसर अभी सील है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके विरुद्ध आगे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। 8 लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना के समय पे इस तरह से बड़ी संख्या में अस्पताल खुले जो उस समय की आवश्यकता थी, लेकिन इस घटना ने जहां दर्द दिया वहां सोचने पर मजबूर भी किया है कि अब समय आ गया है कि कड़े निर्णय लिए जाएँ और ऐसे सभी अस्पतालों पर जहाँ पर आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर निर्णय किया जाए और
जिनमें सुविधाएं नहीं है उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं, ये समय आ चुका है। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष के चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हत्या के आरोपी आज भी मृतक के परिजनों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपियों द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों से परेशान मृतक के परिजनों ने हनुमानताल थाना पहुंचकर सीएसपी अखिलेश गौर को ज्ञापन देकर फरार आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि फरार आरोपी उन्हें आए दिन घर पर आकर जान से मारने की धमकी देते हैं। विगत दिनों जो घटना हुई थाना बेलबाग के अंतर्गत 302 उसकी पूरी समाज निंदा करता जी, उसमें कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, शेष आरोपी अभी पकड़े नहीं गए। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ऐसी कोई दूसरी गंभीर घटना ना हो जाए और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करने आए हैं कि अतिशीघ्र जो शेष आरोपी उनकी गिरफ्तारी की जाए, वरना समाज पूरा तीव्र आंदोलन करेगा जिसकी जवाबदारी जो है प्रशासन। कुछ दिवस पूर्व थाना बेलबाग अंतर्गत एक रात्रि के समय हत्या हुई थी एक नौजवान की, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ आरोपी फरार। तो मृतक परिवार के सदस्यों के द्वारा आज कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में, और जो फरार आरोपी है रिंकू राम उनके द्वारा इनके परिवार को डराने धमकाने की बात के सामने आई है, जिस संबंध में हमारी एक टीम लगाई गई है और थाना बेलबाग थाना प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है पृथक रूप से कि वो इस पर तत्काल संज्ञान। इसके अलावा हनुमानताल की टीम भी हमारे द्वारा लगाई गई है फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए। इनके द्वारा जो भी साक्ष्य में उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन साक्ष्यों के आधार पर गंभीरतापूर्वक सभी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।